अच्छा एक मिनट सुधांशु जी, एक सेकंड अमीश जी, यहां पे बहुत एक गलत बात हुई है। जिस व्यक्ति ने हमारे गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा, जिस व्यक्ति ने हमारे दसवें गुरु के छोटे साहबजादों को जिंदा चनवाया, उसकी यहां पर प्रशंसा हो रही है और मैं स्वीकार कर लूं उसके नाम पर दिल्ली में रोड बनता और कोई विरोध नहीं करता। मेरे मन में आया कि कहीं ना कहीं औरंगजेब का नामो निशान इस भारतवर्ष से मिटा देना चाहिए। उसी करके 9 जनवरी को 2021 में मैंने जाकर औरंगजेब लेन, जो कि तुगलक रोड थाने के पास है, मैंने वहां जाकर अपना पेट्रोल डालकर वहां उसमें आग लगाई और उसके ऊपर श्री गुरु तेग बहादुर जी का साइन बोर्ड जो है वो स्थापित किया। हालांकि मुझे नहीं उस टाइम पता था कि श्री गुरु तेग बहादुर जी मेरे ऊपर क्या कृपा करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि मेरी जो है वहां पर अरेस्टिंग भी हुई और जमानत भी सेम डे हुई, क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर जी के गुरुद्वारा साहब में मैंने दर्शन करने के लिए मैं वचनबद्ध थी कि मैं 6 बजे गुरुद्वारा शीशगंज जाकर मत्था टेकूंगी। गुरु तेग बहादुर जी कृपा हुई, वहां पर मुझे तिहाड़ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया, लेकिन मेरी बेल सेम डे हुई, क्योंकि जिनके ऊपर श्री गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद हो उनका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। दूसरी हमारी जो एक मुहिम का जो हिस्सा बनी वो दिल्ली के अंदर जब हम रामनिवास गोयल जी को मिले, जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं, उनके सामने हमने जब एक प्रोविजन रखा कि देखिए गुरु तेग बहादुर जी का शीश जिस मुगल शासक ने काट दिया उसका नाम नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उनका जो एक बोर्ड है वो भी हटाया जाएगा और दिल्ली के अंदर चारों कोनों में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से कोई बोर्ड या कोई लेन या कोई मेमोरियल स्थापित किया जाएगा। बीती 9 फरवरी को हमें दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से वो लेटर मिला, रामनिवास गोयल जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और साथ में एक चैप्टर जो कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित लगाने के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें रिसीविंग भी दी और कहा कि नेक्स्ट सेशन से श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक चैप्टर दिल्ली में लगाया जाएगा।